हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विज्ञान इज मंच। इस पार्ट में हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम डीएनए रेप्लिकेशन स्टडी करेंगे। तो इसके हम दो पार्ट करेंगे। पार्ट वन में हम वो मेथड्स पढ़ेंगे जिससे हमने प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होगा वो किस तरीके से होगा या उसका मोड क्या होगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होगा। और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कंप्लीट मैकेनिज्म कि किस तरीके से एक डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेट करता है। स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन का फर्स्ट पार्ट। अब मुद्दे की बात यह है कि हमें रेप्लिकेशन करना क्यों है, क्यों रेप्लिकेशन करना है। तो जैसे आपको पता है कि होल ऑर्गेनिज्म जो होता है एक छोटे से सेल से फॉर्म होता है जिसको कहते हैं जायगोट। जायगोट से क्या होता है, जब उसमें बहुत सारे माइटोटिक डिवीज़न होते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होता है और उन्हीं सेल से ऑर्गन टिश्यूज एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। उससे ही कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो पर जो सेल था जायगोट, अगर उसने दो वो डिवाइड करता है तो उसके क्या साइटोप्लाज्म हाफ होते जाते हैं, क्या उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ होते जाते हैं। तो इन सब का आंसर आपको मिला होगा जब आपने क्या पढ़ा होगा, आपने मेथड्स पढ़े होंगे मियोसिस और माइटोसिस के, कि किस किस फेसेस होते हैं, कौन से फेस में क्या होता है। तो हम ज़्यादा डिस्कशन उस पर नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि माइटोसिस के अंदर ऐसा हो क्या रहा था। तो जो सेल का प्रोसेस था, सेल का डिवीज़न था, सेल का डिवीज़न जो होता था उसमें दो मेजर पार्ट थे, इंटरफेस, ठीक है, और दूसरा माइटोटिक फेस। इंटरफेस में ओवरऑल आप ये देखते थे कि किस तरीके से डीएनए जो था, ठीक है, उसके ऑर्गेनल्स, सेल के जो ऑर्गेनल्स थे, सेल का साइटोप्लाज्म था, ठीक है, उनकी क्वांटिटी बढ़ती है और वही क्वांटिटी जब इम्प्रूव हो जाती है, डबल हो जाती है, तो बाद में वो क्या करता है, डिवाइड होकर जब डॉटर सेल्स बनाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसलिए जब जायगोट में जो सेल की क्वांटिटी थी, जो उसमें क्रोमोसोम के नंबर थे वो सेम होगा, जो उनसे डॉटर सेल बने हैं वो भी सेम होगा उनके अंदर भी। क्यों? क्योंकि रेप्लिकेशन करने से पहले उन्होंने सेल को डिवाइड करने से पहले क्या किया, रेप्लिकेशन किया। रेप्लिकेशन कब किया, उन्होंने एस फेज में किया, जिसकी वजह से डीएनए की क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। वैसे ही आपने जीवन अगर पढ़ा होगा तो जीवन के अंदर भी क्या हुआ था, तो अमाउंट था साइटोप्लाज्म का वो इम्प्रूव हुआ था, उसकी क्वांटिटी बढ़ी थी, वो डुप्लीकेट हुआ था, ऑर्गेनल डुप्लीकेट हुए थे। तो इस वजह से जब दो डॉटर सेल डिवाइड होते हैं, उन डॉटर सेल्स में इक्वल प्रोपोर्शन में हर चीज़ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इस वजह से डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, ज़रूरी है। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग आइडेंटिकल कॉपीज। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें आप आइडेंटिकल कॉपीज बनाते हैं ऑफ डीएनए फ्रॉम एन ओरिजिनल डीएनए। तो उनकी एक कॉपी बनाते हो ओरिजिनल पेरेंटल डीएनए से, उनकी एग्जैक्टली सेम कॉपी बनाते हो, नहीं तो हर सेल में क्या होगा, डिफरेंट टाइप के डिफरेंट क्रोमोसोम हो जाएंगे, इसलिए उनकी कॉपी बनती है और वही कॉपी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है डॉटर सेल्स के अंदर। डीएनए इज द ओनली मॉलिक्यूल कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन, ठीक है। डीएनए सिर्फ एक ऐसा मॉलिक्यूल ही है जो क्या कर सकता है, सेल्फ डुप्लीकेशन कर सकता है, मतलब उसके अंदर ही रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। इस वजह से हम डीएनए को लिविंग मॉलिक्यूल के नाम से भी क्या कहते हैं, जानते हैं या बुला सकते हैं। ऑल लिविंग बींग्स हैव कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग रिप्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीएनए। सब लिविंग सेल्स के अंदर जो प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन करने की, वो किसकी वजह से है, डीएनए के वजह से ही है। और जैसे कि मैंने पहले भी बात किया कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होगा कहाँ होगा, वो एस फेस के अंदर होगा, सेल साइकिल के जो कि इंटरफेस का पार्ट है उसके अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा, और जो अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ जाएगा, अमाउंट ऑफ डीएनए, नॉट द नंबर ऑफ या सेट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ जाएगा, जो प्लॉइडी लेवल है वो तो उतना ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। पर अब जो हमने बात करना है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो होता तो है, ठीक है, सब चीज़ सही है, पर वो किस तरीके से होता है, इसके लिए अलग अलग, ठीक है, थॉट्स आए थे। किसी ने कहा था कंजर्वेटिव मोड होगा, किसी ने सेमी कंजर्वेटिव मोड कहा हुआ है, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट इसमें थिंकिंग थी। पर ऑलमोस्टली जब फाइनली हमने ये प्रूफ किया कि कौन से तरीके से डीएनए रेप्लिकेट करता है, दैट इज़ अ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कि सेमी कंजर्वेटिव मोड क्या होता है। डीएनए रेप्लिकेशन तो आपने जान ही लिया कि आइडेंटिकल कॉपीज का फॉर्मेशन होगा, पर जो सेमी कंजर्वेटिव मोड है वो क्या होता है। तो सेमी कंजर्वेटिव आपको सिर्फ यही समझाता है कि सेमी मीन्स हाफ और कंजर्व मीन्स टू सेव।
तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हाफ ऑफ द पेरेंटल डीएनए क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है, और आधा जो होता है वो न्यू कॉम्बिनेशन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। सेमी कंजर्वेटिव बहुत ईजी है, क्या है सेमी कंजर्व, सेमी मतलब हाफ और कंजर्व, तो हाफ ऑफ द पेरेंटल डीएनए क्या होंगे, कंजर्व्ड हो जाएंगे और हाफ नया डीएनए सेगमेंट आके क्या करेगा, बनेगा, यही सेमी कंजर्वेटिव मोड। तो सबसे पहले जाने कि जो मेथड था, ये जो प्रोसेस था, वो किसने बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होगा, तो वॉटसन और क्रिक ने फर्स्ट टाइम जब उन्होंने हाइपोथेसिस दिया था डबल हेलिकल मॉडल का, तभी उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड से होता है। हाइपोथेसिस तो दिया था पर किसी तरीके का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ उन्होंने नहीं दिया था। तो लेटर जब आगे डिस्कवरीज हुई और ज़्यादा डिटेल्स आए, तब जाके मिसेलसन और स्टाल, ठीक है, मिसेलसन और स्टाल ने फिर जाके एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि जो वॉटसन क्रिक ने बोला था वो बिल्कुल सही था। जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन होगा, जो रेप्लिकेशन का तरीका होगा, वो कैसा होगा, सेमी कंजर्वेटिव तरीके से ही क्या करेगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, मिसेलसन और स्टाल ने। उसके बाद सेम टाइम पे ही कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद टेलर ने भी वर्क करके ऑन क्रोमोसोम उन्होंने प्रूफ किया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा वो भी वही कैसा होगा, सेमी कंजर्वेटिव मोड से होगा। तो यानी कि दो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है मेरे पास, एक मिसेलसन और स्टाल ने किया और एक टेलर ने किया। दोनों के एक्सपेरिमेंट थोड़े से डिफरेंट हैं पर जो तरीका है, जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है, वो सब कुछ कैसा है, सिमिलर है। तो पहले तो हम ये कंपेयर कर लें कि दोनों की प्रोसेस में क्या डिफरेंशिएशन है, दोनों ने किस पे वर्क किया था, कैसे वर्क किया था। चलिए बात करते हैं अपन, ठीक है, कंपैरिजन चार्ट ले लेते हैं कि मिसेलसन स्टाल ने किस पे किया था और टेलर ने किस पे किया था। मिसेलसन स्टाल पे, अगर मिसेलसन और स्टाल की बात करें, तो उन्होंने 1958 में किया था ऑन इकोलाई, जबकि टेलर ने किया था वीसिया फेबा, जो कि बीन है, उसके ऊपर सेम ईयर पे 1958 पे। दोनों का मोड, दोनों का प्रोसेस एग्जैक्टली सिमिलर था, दोनों यही प्रूफ करना चाहते थे कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होगा, ईयर सेम था, बट जो उनके वर्किंग थे, जो उनका बोल सकते हो जिस पे वो वर्क कर रहे थे, वो दोनों स्पीसीज अलग थी। स्टाल ने इकोलाई लिया था और जबकि टेलर ने वीसिया फेबा यूज़ किया था। दूसरा डिफरेंस देखते हैं कि मिसेलसन स्टाल ने जो यूज़ किया था, प्रोसेस किया था, मिसेलसन और जो इन्होंने किया था, उन्होंने क्या किया था, हैवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन्स को यूज़ किया था, N15। किसी भी तरीके के रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का यूज़ किसने नहीं किया, मिसेलसन और स्टाल ने नहीं किया। उन्होंने क्या लिया था, नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप्स लिया था, N15, जबकि टेलर ने क्या किया था, रेडियो ट्रेसर टेक्निक का इस्तेमाल किया था और उन्होंने रेडियो आइसोटोप्स यूज़ किए थे। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के थ्रू किया गया था, जबकि वहाँ पे हैवी नाइट्रोजन लिया गया था। हैवी नाइट्रोजन जो था वो किस फॉर्म में लिया गया था, तो हैवी नाइट्रोजन जो था उसको मिसेलसन ने जो लिया था वो NH4Cl, ठीक है, के फॉर्म में लिया था, एज अ मीडियम उसको लिया था और उस मीडियम को इस्तेमाल किया था। तो जो हैवी आइसोटोप थे नाइट्रोजन के, वो NH4Cl के फॉर्म में लिया था, जबकि वीसिया फेबा पे जो वर्क किया था टेलर ने, उन्होंने जो लिया था वो रेडियो आइसोटोप्स लिया था, किसका, ट्रिटिएटेड थाइमिडीन का क्या किया था, रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ किया था। तो दोनों का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस तो सेम है पर कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंस थी। पहला तो ईयर सेम था, दूसरा जो उन्होंने स्पीसीज सेलेक्ट किया था वो डिफरेंट था, फिर उन्होंने जो मेथड अप्लाई किया था, एक ने आइसोटोप को लिया था, रेडियो आइसोटोप लिया था, और एक ने क्या लिया था, हैवी आइसोटोप को लिया था नाइट्रोजन का, और एक ने क्या दिया था, रेडियो आइसोटोप्स लिया था, ठीक है। ये कुछ डिफरेंसेस थे टेलर के केस में और मिसेलसन के केस में, कि दोनों का मीडियम अलग है, दोनों ने जो कंपोनेंट लिया वो अलग है, दोनों का जो स्पीसीज था वो अलग है। अब हम देखते हैं कि मोड ऑफ रेप्लिकेशन कैसे हो रहा था, किस तरीके से उन्होंने प्रूफ किया कि ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन से होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोसेस पे उन्होंने किया क्या, किस तरीके से वर्क किया, चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं मिसेलसन और स्टाल का, मिसेलसन और स्टाल ने किस तरीके से किया। तो
मिसेलसन स्टाल ने सबसे पहले क्या लिया, एक नॉर्मल इकोलाई लिया था जिसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। और नॉर्मली जो डीएनए होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है N14 टाइप होता है। फिर उन्होंने क्या, उस इकोलाई को एक मीडियम पे ग्रो कराया, ठीक है। वो मीडियम कैसा था, हैवी आइसोटोप वाला था, NH4Cl मीडियम था, N15 मीडियम लिया उन्होंने। N15 मीडियम पे उन्होंने सेवरल जेनरेशन तक क्या किया, इकोलाई को क्या करने दिया, डिवाइड करने दिया, डिवाइड करने दिया, डिवाइड करने दिया। और इस तरीके से जो सारे के सारे जो आगे चल के जो इकोलाई फॉर्म हुए, उन सारे इकोलाई के अंदर कैसा हो गया, तो जेनेटिक मटेरियल कैसा हो गया, उसमें हैवी आइसोटोप वाला हो गया। जबकि लिया कैसा था, उन्होंने नॉर्मल लाइट आइसोटोप वाला N14 टाइप का लिया था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मीडियम पे क्या था, NH4Cl, जो बैक्टीरिया था उसको डिवाइड करना था, डिवाइड करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए था, और न्यूट्रिशन कहाँ पे था, मीडियम में। न्यूट्रिशन पे उन्होंने जो नाइट्रोजन जो भी कंपोनेंट लिए मीडिया से लिया, मीडियम के अंदर नाइट्रोजन N14 की जगह N15 थे। वो धीरे धीरे जो न्यू डीएनए से बने, जैसे कि हमने इनिशियली बात किया था कि जब रेप्लिकेशन करना होता है, जब दो सेल बनने होते हैं उसी दौरान क्या होता है, सब चीज़ की क्वांटिटी डबल हो जाती है। तो उसी समय जब डबल होना था उन्हें, तो उन्होंने मीडियम से लिया और ऐसे करके सारे के सारे इकोलाई किसमें कन्वर्ट हो गए, N15 नाइट्रोजन बेस वाले इकोलाई में कन्वर्ट हो गए, जिनका डीएनए कैसा होगा, हैवी आइसोटोप के साथ था, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप था उनके प्रोसेस का, ठीक। दूसरा स्टेप अगर हम देखें तो उसमें उन्होंने क्या किया, सेकंड जो स्टेप था उन्होंने क्या किया, उसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, सॉरी हैवी आइसोटोप्स को लिया और फिर से न्यू मीडियम लिया, और इस बार मीडियम जो था वो हैवी आइसोटोप्स का ना लेके नॉर्मल नाइट्रोजन मीडियम लिया, NH4Cl का। पहले क्या लिया था, नॉर्मल नाइट्रोजन बेस वाले डीएनए लिए थे, और मीडियम कैसा लिया था, आपके हैवी आइसोटोप्स के। अब हैवी आइसोटोप्स वाले इकोलाई लिया और मीडियम कैसा लिया, उन्होंने N14 टाइप का मीडियम लिया है। और हर जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, स्पेशली इन इकोलाई, इकोलाई जो होता है हर 20 मिनट के बाद क्या कर जाता है, रेप्लिकेट कर जाता है, मतलब एक इकोलाई सेल से दो इकोलाई सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वैसे ही इन्होंने क्या किया कि हर 20 मिनट्स के बाद क्या किया, सैंपल कलेक्ट किया, मतलब इकोलाई को लिया, इकोलाई को N14 मीडियम पे रखा, जैसे ही 20 मिनट्स कंप्लीट हुए हैं तो इकोलाई क्या कर चुके थे, डिवाइड कर चुके थे, उस 20 मिनट का सैंपल लिया, फिर आगे चल के फिर उन्होंने 20 मिनट्स के लिए छोड़ दिया, फिर जो इकोलाइज डिवाइड हुए उन इकोलाई का सैंपल लिया, ऐसी करके उन्होंने 3 डिवीजन तक का सैंपल लिया। तो सैंपल अलग अलग किए, हर बार 20 मिनट्स के बाद जो इकोलाई डिफरेंशिएट हुए उन इकोलाई को क्या किया, उन्होंने सैंपल निकाल लिया। अब इस सैंपल के साथ उन्होंने किया क्या, इस सैंपल को उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन किया, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ सीजियम क्लोराइड। क्या किया, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन इन प्रेजेंस ऑफ सीजियम क्लोराइड। अब सीजियम क्लोराइड की जगह और भी कुछ अलग सॉल्ट ले सकते हो आप, पर सीजियम क्लोराइड जो रोल प्ले कर रहा था वो क्या कर रहा था, सीजियम क्लोराइड क्या होता है, वो ब्रेक डाउन होके आपके पूरे ट्यूब के अंदर एक इक्वल ग्रेडियंट बना देता है। इक्वल ग्रेडियंट का बेनिफिट क्या होता है कि जो एक्चुअल जो उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, उसी मॉलिक्यूलर वेट के रिस्पेक्ट में ही वो जो चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, सेटल डाउन होंगी। क्योंकि आपको पता है सेंट्रीफ्यूगेशन के में क्या होता है, मॉलिक्यूलर जो वेट होता है उसके हिसाब से मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इसमें कोई मिस्टेक ना हो इसलिए सीजियम क्लोराइड लिया, जिसकी वजह से इक्वल ग्रेडियंट हो जाएगा और एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर उसी पोजिशन पे, वेट के पोजिशन पे ही एग्जैक्टली क्या होगा, वो डिपॉजिट होगा। तो सीजियम क्लोराइड के प्रेजेंस में उन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया उन सभी सैंपल्स का, ठीक है, उन सभी सैंपल्स का उन्होंने क्या किया, डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन किया, और फिर रिजल्ट को क्या किया, कंपेयर किया, रिजल्ट को क्या किया, कंपेयर किया। कंपेयर करके जब उन्होंने देखा तो जो फर्स्ट सैंपल उन्होंने लिया था किसका, हैवी नाइट्रोजन वाले इकोलाई का, ठीक है, बिफोर द डिवीजन, उनमें उन्होंने देखा कि सारा का सारा जो डीएनए या इकोलाई था, वो सारा इकोलाई का सेल या डीएनए जो थे वो कहाँ सेटल हुए थे, बॉटम पे।
क्योंकि वो कम्प्लीटली किससे बना था भाई, वो कम्प्लीटली हैवी नाइट्रोजन बेस से है, तो आपको पता है कि हैवी चीज़ें जो होंगी वो नीचे बॉटम पे ही सेटल होंगी। जब 20 मिनट के बाद उन्होंने सैंपल कंपेयर किया, ठीक है, 20 मिनट के बाद उन्होंने सैंपल को देखा, तो सैंपल जो था वो पहले वाले सैंपल से थोड़े हाइट पे क्या हुआ था, सेटल डाउन हुआ था, थोड़े हाइट पे क्या हुआ था, सेटल डाउन हुआ था। अगर ये मोड कैसा होता, कंप्लीटली कंजर्वेटिव होता, कंप्लीटली कंजर्वेटिव होता, तो N15 के तो अलग डीएनए बनने चाहिए थे, और जो मीडियम में थे उसके लाइट डीएनए अलग बनने चाहिए थे, पर ऐसा तो था नहीं, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव मोड को आपने यही तो प्रूफ किया कि सेमी कंजर्वेटिव मोड से होता है, तो ऐसे दो स्ट्रैंड बनने चाहिए, तब कि यहाँ पे दो स्ट्रैंड नहीं बने, एक ही स्ट्रैंड बना, ठीक है। वो क्या था, आपके हैवी आइसोटोप से जो फर्स्ट वाला था ट्यूब, उससे थोड़ा सा ऊपर क्या हुआ था, सेटल हुआ था। जब 40 मिनट के बाद का सैंपल उन्होंने कंपेयर किया, तो उसमें देखा कि उसमें दो क्या हो रहे हैं, सेगमेंट्स बन रहे हैं। एक वो सेगमेंट जो किसके बराबर आ रहा है, सेकेंड वाले ट्यूब के इक्वल आ रहा है, और एक जो उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब अगर तीनों को कंपेयर करके देखो तो हैवी नीचे होगा और लाइट सबसे ऊपर होगा, और उसके बीच में जो आ रहा है वो कैसा होगा, इंटरमीडिएट होगा। और जब इंटरमीडिएट को देखा गया था और सेकेंड ट्यूब का जो डीएनए सैंपल को देखा गया, तो उसमें मुझे एक लाइट स्ट्रैंड, मतलब उनको एक लाइट स्ट्रैंड मतलब N40 वाला स्ट्रैंड और दूसरा N15 वाला स्ट्रैंड देखने को मिला। वैसे ही वहाँ पे जब आपने N15 का जो 40 मिनट्स का सैंपल था उसमें भी जो हाइब्रिड आपने देखा था उसमें भी यही मिला था, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने बताया कि जो अगर मान लो सेमी कंजर्वेटिव है, तभी क्या हो रहा है, वो दोनों चेन में क्या हो रहा है, लाइट डीएनए मिक्स फॉर्म में मिल रहा है, मतलब आधा पेरेंटल मिल रहा है और आधा कैसे मिल रहे हैं, आपके न्यू कॉम्बिनेशन वाले डीएनए मिल रहे हैं, मतलब आधे N15 मिल रहे हैं और आधा N14 मिल रहे हैं। अगर कंजर्वेटिव होता तो क्या होता, कम्प्लीटली N15 वाले डीएनए अलग मिलने चाहिए थे और N14 वाले डीएनए क्या होने चाहिए थे, अलग मिलने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं हुआ सेकेंड सैंपल के अंदर, क्योंकि उसमें एक ही क्या हुआ, डिपोजिशन आया, और उस डिपोजिशन के अंदर लाइट डीएनए भी और हैवी डीएनए दोनों क्या हैं, आपस में मिक्स्ड हैं। और जबकि उसके पहले कैसा था, दोनों हैवी डीएनए था, तो उन्होंने बोला कि ये दोनों हैवी डीएनए सेपरेट हुए, ठीक है, दोनों टेम्पलेट के जैसा बिहेव किया, और दोनों टेम्पलेट पे फिर न्यू डीएनए सेगमेंट का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हुआ। इस तरीके से एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल बने, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया। पर सेमी कंजर्वेटिव था क्या, तो सेमी कंजर्वेटिव आपको सिर्फ यही समझाता है कि सेमी कंजर्वेटिव बहुत इजी है। क्या है सेमी कंजर्व, सेमी मतलब हाफ और कंजर्व, तो हाफ ऑफ द पेरेंटल डीएनए क्या होंगे, कंजर्व्ड हो जाएंगे, और हाफ नया डीएनए सेगमेंट आके क्या करेगा, बनेगा। यही सेमी कंजर्वेटिव मोड था, और एक्सपेरिमेंट के दौरान भी इन्होंने यही प्रूफ किया, ठीक है, कि पहला जो सैंपल था उसमें N15 मिला, दूसरा जो हाइब्रिड था इंटरमीडिएट मिला, मतलब उसमें दोनों टाइप के क्या है, स्ट्रैंड है, तभी वो इंटरमीडिएट आ रहा, नहीं तो लाइट या हैवी रीजन में आना चाहिए था, तो ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ। इस तरीके से मिसेलसन और स्टाल ने क्या क्या प्रूफ किया कि जो मोड होता है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड होता है रेप्लिकेशन का। टेलर ने भी वही सारा प्रोसेस किया था, जबकि यहाँ पे उन्होंने क्रोमोसोम लिया था, उन्होंने क्या कर दिया, पहले सेम प्रोसेस है, पहले उन्होंने नॉर्मल क्रोमोसोम लिया, ठीक है, उसको क्या कर दिया, एक मीडियम लिया जिसमें ट्रिट्रेटेड थायमिडिन था, फिर उससे क्या बन गया, ऐसे क्रोमोसोम बन गए जो कैसे थे डीएनए, जिन जो ऐसे क्रोमोसोम जिन कैसे थे वो रेडियो एक्टिव थे। फिर उस रेडियो एक्टिव जो क्रोमोसोम थे उनको उन्होंने क्या किया, उसको डिवाइड होने दिया, हर 20 मिनट के बाद सैंपल लिया, और सेम एग्जैक्टली सेम चीज़ें वहाँ पे भी उनको क्या मिली, देखने को मिली। इस तरीके से टेलर ने भी वही चीज़ प्रूफ किया, और मिसेलसन स्टाल ने भी सेम चीज़ को प्रूफ किया कि जो मोड होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड होता है। ये प्रोसेस था। अब इससे कुछ रिलेटेड हम मैं क्वेश्चंस के टेक्निक्स आपको बता दूं कि किस तरीके से सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है, अपन देखते हैं। फर्स्ट थिंग अगर अपन बात करें, फर्स्ट थिंग अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आप तीन चीज़ें समझें, लाइट डीएनए जो है, लाइट डीएनए वो कौन है, नॉर्मल नाइट्रोजन बेस वाला डीएनए। हैवी डीएनए कौन सा है, जो हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन आप ले लिया था वो डीएनए जो है वो कैसा है, हैवी डीएनए है।
और इंटरमीडिएट या हाइब्रिड डीएनए जो है, या N14 N15 टाइप का डीएनए है, उसमें क्या है, दोनों स्ट्रैंड है, हैवी नाइट्रोजन वाले भी और लाइट नाइट्रोजन वाले भी। ठीक है, आप क्वेश्चन किस तरीके से करना है आप समझने की। तो आपसे क्या बोलता है कि आप मान लीजिए एक मीडियम ले लीजिए, ठीक है, इस मीडियम के हिसाब से आपको क्या करना है, पता लगाना है कि तीन डीएनए के, तीन रेप्लिकेशन के बाद क्या कंडीशन होगा। ठीक है, तीन रेप्लिकेशन के बाद क्या कंडीशंस होंगे, कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन क्या करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ। जो क्वेश्चन आपके सामने है उसमें डीएनए मॉलिक्यूल इन विच बोथ स्ट्रैंड हैव रेडियो एक्टिव थायमिडिन इज अलाउड टू डुप्लीकेट इन एन एनवायरमेंट कंटेनिंग नॉन रेडियो एक्टिव थायमिडिन। ठीक है, व्हाट विल बी द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कंटेन रेडियो एक्टिव थायमिडिन आफ्टर थ्री डुप्लीकेशन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके सामने कि एक जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो कैसा है, वो रेडियो एक्टिव है, उसको आपने क्या किया, नॉर्मल, ठीक है, मतलब बिना रेडियो एक्टिव के जो थे मीडियम, उस पर आपने उसको रेप्लिकेट करवाया। कितने डिवीज़न तक रेप्लिकेट करवाया आपने, यहाँ पे थ्री डिवीज़न तक आपने उसको रेप्लिकेट करवाया, डुप्लीकेशन करने दिया। थ्री डुप्लीकेशन के बाद आपसे पूछ रहा है कि रेडियो एक्टिव थायमिडिन का क्या उसमें कंटेंट होगा, रेडियो एक्टिव थायमिडिन के नंबर कितने होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद कर ले, टू का पावर एन, यहाँ पे एन जो है वो बताता है नंबर ऑफ साइकल्स, एन क्या बताता है, नंबर ऑफ रेप्लिकेशन साइकल्स या नंबर ऑफ डुप्लीकेशन। नंबर ऑफ डुप्लीकेशन लगाया तो यहाँ पे नंबर ऑफ डुप्लीकेशन कितने हैं आपके, थ्री, और टू का पावर अगर थ्री लगाते हैं तो नंबर कितने बनते हैं आपके, यस, टोटल नंबर जो होंगे वो कितने बनेंगे, एट डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे। कितने डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे, एट डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे। अब इसमें से आपको पता लगाना है कि रेडियो एक्टिव कौन सा हो सकता है, ठीक है, इससे आपको पता लगाना है कि रेडियो एक्टिव कौन सा हो सकता है। चलिए मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है यहाँ पे। पहला चीज कि जो चीज़ रेप्लिकेट हो रहा है, मतलब कोई भी डीएनए हो सकता है, या ठीक है, चाहे वो हैवी हो सकता है, लाइट हो सकता है, रेडियो एक्टिव नॉन रेडियो एक्टिव कुछ भी, जो चीज़ रेप्लिकेट होने वाला है, जो चीज़ रेप्लिकेट कर रहा है, उसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, आगे चल के क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। उसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, आगे चल के कम्प्लीटली लॉस हो जाएगी। ठीक है, दूसरा चीज कि हमेशा जो इंटरमीडिएट या हाइब्रिड होता है वो हमेशा कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, चाहे कितने भी रेप्लिकेशन आप करवा लीजिए, ठीक है, प्रीवियसली आपने देखा भी, ठीक, तो आप चाहे कितना भी रेप्लिकेशन करवा लीजिए, हमेशा इंटरमीडिएट कितने होते हैं, दो, और धीरे धीरे हर रेप्लिकेशन के बाद जैसा मीडियम होता है वैसे वाली डीएनए मॉलिक्यूल की क्वांटिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तीन चीज़ें, जो रेप्लिकेट हो रहा है उसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, जो इंटरमीडिएट होंगे हमेशा दो होंगे, और तीसरी चीज़ जिस तरीके का मीडियम है उसका जो क्वांटिटी है वो धीरे 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 क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे जो रेप्लिकेट हो रहा है वो कौन है, वो रेडियो एक्टिव थायमिडिन है, मतलब उसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। यानी कि एक भी डीएनए मॉलिक्यूल ऐसा नहीं बचेंगे जो 100% कैसे हों, एंड रेडियो एक्टिव नेचर के हों, उसकी आइडेंटिटी लॉस। ठीक है, अब इंटरमीडिएट हमेशा दो हैं तो टोटल डीएनए मॉलिक्यूल कितने बने थे, एट, और यहाँ पे इंटरमीडिएट कितने हैं, दो, तो दो निकाल दो, बाकी जो बच गए छः वो कैसे हैं, वो मैंने आपको बताया कि जो ज़्यादा हैं, ठीक है, उनकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है, तो लाइट जो हैं, ठीक है, क्योंकि N15 तो क्या हो गया, मतलब रेडियो एक्टिव तो क्या हो गया, ज़ीरो, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी लॉस हो गई, तो कम्प्लीटली रेडियो एक्टिव क्या हो गया, ज़ीरो, इंटरमीडिएट दो, और जो बच गए हैं वो सारे कैसे हैं, मीडियम के टाइप के हैं, तो मीडियम नॉन रेडियो एक्टिव था, तो यहाँ पे नॉन रेडियो एक्टिव कितने हैं, छः, और रेडियो एक्टिव कितने हैं, दो, पर कम्प्लीटली रेडियो एक्टिव पूछता तो यहाँ पे ज़ीरो आता, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया, इसलिए रेडियो एक्टिविटी तो है हाफ के फॉर्म में ही है, ठीक है, पर है। तो ऐसे दो डीएनए मॉलिक्यूल हैं, ऐसे दो क्रोमोसोम हैं जिसमें क्या है, रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट है, बाकी छः ऐसे हैं जिसमें नहीं है। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो रेप्लिकेट हो रहा है वो आइडेंटिटी उसकी आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी, जो क्वांटिटी जो मीडियम है उसकी क्वांटिटी मैक्सिमम होगी, और इंटरमीडिएट हमेशा क्या होंगे, दो,
इतना याद रखेंगे, क्वेश्चन आपसे 30 सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा, सॉल्व आउट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अ बैक्टीरियम विथ कम्प्लीटली रेडियो एक्टिव डीएनए वॉज अलाउड टू रेप्लीकेट इन नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम फॉर 2 जेनरेशन, वट परसेंटेज ऑफ बैक्टीरिया शुड कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए। ठीक है, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम टाइप के क्वेश्चन है। चलिए आप सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर, फिर अपन तो बात करेंगे ही करेंगे। चलिए हम बात करें, 2n लगाना है, सीधी सी बात, 2n, टोटल डीएनए मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, 4। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेप्लिकेट कर रहा है वो कौन था, रेडियो एक्टिव, तो क्या मैंने बोला था, जो रेप्लिकेट करेगा उसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, लॉस, तो रेडियो एक्टिव तो क्या हो गया, 0। अब बच गए 4, 4 में से 2 कैसे होते हैं रेडियो एक्टिव, तो 2 रेडियो एक्टिव निकाल दो और 2 कैसे हो जाएंगे कम्प्लीटली नॉन रेडियो एक्टिव। पूछा किसकी क्वांटिटी है, रेडियो एक्टिव की, टोटल 4 थे जिसमें से 2 रेडियो एक्टिव है, तो कितना परसेंट हो गया, 50%। तो ठीक है, जिसका जिसका 50% आया था दे आर करेक्ट। ठीक है, तो बहुत ईजी है, इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हो आसानी से। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना था, यहाँ पे अगर आपको रेडियो एक्टिव डीएनए के अलावा अगर मान लीजिए आपको सिंपली कैसा दे देता है, हैवी नाइट्रोजन वाला भी दे देता है, तो अप्रोच आपको सिर्फ कैसा लगाना है, वैसा ही अप्रोच लगाना है आपको, सेम जैसे आपने भी रेडियो एक्टिव के लिए लगाया था, वैसा ही अप्रोच आपको लगाना है जैसे आपने रेडियो एक्टिव के। एक और लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। When heavy nitrogen base containing DNA replicates over a light nitrogen containing medium for 5 generation, then calculate the amount or number of light DNA, heavy DNA and hybrid DNA molecules. ठीक है, तो चलिए सेम अप्रोच लगाना है आपको, 2n, नंबर ऑफ जनरेशन कितने हैं 5, 2 कितने हो जाएंगे टोटल 32, 2 कितने हो जाएंगे 32। अब 32 में आपको पता है इंटरमीडिएट कितने होने वाले हैं, 2, तो इंटरमीडिएट तो हो गए 2, तो यहाँ पे हाइब्रिड जो पूछा है वो कितने हो गए 2। अब लाइट और हैवी कितना है ये भी बताना है मुझे, तो आपको पता है कि जो रेप्लिकेट होता है उसके साथ क्या होने वाला है, उसकी आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी, यानी कि जो हैवी था वो क्या हो जाएगा 0, और जो बचे हुए हैं वो क्या है लाइट, यानी कि कितने होंगे 30 लाइट, 2 हाइब्रिड्स एंड 0 क्या होंगे आपके हैवी डीएनए कंटेनिंग मीडियम। अच्छा, यहाँ पे मॉलिक्यूल पूछा है, अगर स्ट्रैंड पूछता आपसे, स्ट्रैंड पूछता तो टोटल एक डीएनए में कितने स्ट्रैंड होते हैं, 2, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 64। अब 64 में आप बात करें तो हाइब्रिड का तो आप भूल जाओ, क्योंकि हाइब्रिड भी क्या है लाइट और स्ट्रैंड से ही मिलके बने। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हैवी स्ट्रैंड होंगे वो कितने होंगे, हाइब्रिड में 4 स्ट्रैंड बनेंगे जिसमें 2 हैवी होंगे और 2 लाइट होंगे। ठीक है, 2 लाइट और 2 हैवी, प्लस जो 30 आपके लाइट बने तो उसमें कितने हो जाएंगे 60। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब स्ट्रैंड पूछता है उसके हिसाब से जो हमारे पास लाइट स्ट्रैंड की क्वांटिटी होगी वो 62 होगी, और जो हैवी स्ट्रैंड की क्वांटिटी होगी कितनी होगी 2, जबकि हाइब्रिड क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि हाइब्रिड भी क्या था लाइट और हैवी स्ट्रैंड से मिलके बने थे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी क्या होते हैं, पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। ठीक, तो ये आपके थे मोड ऑफ रेप्लिकेशन, किस तरीके से रेप्लिकेशन होता है, किस जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म कैसा था, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन था। ठीक है, तो जैसे आपने कुछ एनसीईआरटी के लाइंस दिए हुए, ड्यू टू रेप्लिकेशन ऑफ एक्टिव थाइमिडिन डीएनए कंटेनिंग डीएनए 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स वर ऑब्टेंड इन विच 58 रेडियो एक्टिविटी वॉज फाउंड। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइनें आप ये देख सकते हो। ठीक है, व्हेन दिस 2 डीएनए मॉलिक्यूल कंटेनिंग एक्टिव थाइमिडिन वेयर मेड टू रेप्लिकेट, जैसे आपने देखा हैवी को कराया था तो उससे क्या मिले थे, इंटरमीडिएट मिले थे, हाइब्रिड्स मिले थे, यानी 50% क्या हो जाएंगे। फिर व्हेन दिस 2 डीएनए मॉलिक्यूल कंटेनिंग एक्टिव थाइमिडिन वेयर मेड टू रेप्लिकेट, द नेक्स्ट 4 डीएनए मॉलिक्यूल वेयर ऑब्टेंड आउट ऑफ दिस 4 डीएनए 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स वेयर रेडियो एक्टिव एंड रिमेनिंग वेयर नॉट रेडियो एक्टिव। जैसे आपके सामने यहाँ डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो लास्ट आप देख रहे हो, फर्स्ट जो देख रहे हो उसमें क्या हो रहा है, ठीक, और लास्ट जो आपका थर्ड कंडीशन आ रहा है जनरेशन 2, उसमें आप देख सकते हो कि क्या बन रहा है, 58
ठीक है, फोर में से दो कैसे होंगे रेडियोएक्टिव, दो कैसे होंगे नॉन रेडियोएक्टिव। इन द सेम सीक्वेंस द ऑब्टेंड डीएनए मॉलिक्यूल आर फर्दर मेड टू रेप्लिकेट, देन ऑल्सो द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव डीएनए रिमेंस टू। तो मैंने आपको क्या बोला था कि हमेशा जो इंटरमीडिएट होंगे वो कितने होंगे, दो ही होंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट लाइन्स, जैसे टीलोमेरेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग शॉर्टनिंग ऑफ डीएनए और क्रोमोजोम इन यूकेरियोट्स बाय प्रोटेक्टिंग टीलोमियर। एक क्वेश्चन पूछा गया था तो इसलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। टीलोमेरेज एंजाइम होते हैं जो क्या होते हैं, डीएनए की शॉर्टनिंग जो होती है यूकेरियोट्स के अंदर, उससे क्या करते हैं, टीलोमेयर्स को बचा के रखते हैं। विथ इंक्रीज इन एज टीलोमेरेज एक्टिविटीज डिक्रीज्ड, ठीक है। जैसे जैसे आपके एज बढ़ता जाता है टीलोमेरेज की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ड्यू टू विच चांसेस ऑफ लॉस ऑफ डीएनए लेंथ इज आर इंक्रीज्ड। तो आगे चल के जैसे जैसे एज होता जाता है वैसे वैसे लॉस के क्या होते हैं, चांसेस बढ़ते जाते हैं। टीलोमेरेज इज एबसेंट इन प्रोकैरियोट्स, डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट एज वेल एज प्रोकैरियोट इज सेमी कंजर्वेटिव, सेमी डिसकंटिन्यूअस एंड बाय डायरेक्शनल, ठीक है। सेमी कंटिन्यूअस, सेमी डिसकंटिन्यूअस एंड बाय डायरेक्शनल विथ रिस्पेक्ट टू वन ओरिसाइट, ठीक है। तो सेमी डिसकंटिन्यूअस क्यों है और बाय डायरेक्शनल क्यों है, हम जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन का तब एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो सिर्फ आपको क्या है कि ये याद कर लेना है कि डीएनए रेप्लिकेशन, अभी यहाँ तक तो समझ गया कि सेमी कंजर्वेटिव है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि सेमी डिसकंटिन्यूअस और बाय डायरेक्शनल भी होता है। क्यों होता है, आई विल एक्सप्लेन इन इन लेटर वीडियो सेक्शन। चलिए अब हम बात करें मैकेनिज्म की, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, किस तरीके से वर्क करता है, तो मैं आपके इजीनेस के लिए मैंने इसको क्या किया है, अलग अलग सेक्शंस में क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। सबसे पहले हम उस इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे जो हमें डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान लगने वाले हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला हम बात करेंगे कि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स, यहाँ पर डिफरेंट क्लास ऑफ एंजाइम्स लगने वाले हैं, तो हम एक एक करके सारे, ठीक है, रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, हर एंजाइम का फंक्शन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद हम कंप्लीट मैकेनिज्म फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन जैसे हमने पहले पढ़ लिया था, आपको समझ आ ही गया था कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिकल कॉपीज बनती हैं, ठीक है, जिसमें क्या होती है, आइडेंटिकल कॉपीज का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए और इन वीवो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल विच इज अ सब स्टेज ऑफ इंटरफेस, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन दिस फेज, DNA become 4C from 2C increase in quantity of DNA but not in ploidy। ये सारा मैंने थोड़ा सा पहले पार्ट में हमने बात कर ली थी कि DNA replication S phase में होगा जो कि interphase का पार्ट है। DNA replication के अंदर DNA का duplication होगा, उसकी quantity बढ़ेगी, जैसे 2C से 4C हो जाएगा पर 2N से 4N नहीं होगा, उसकी ploidy नहीं बढ़ेगी, ठीक है। प्रूफ हो ही गया कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन क्या है। तो चलिए हम बात करें एक एक करके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से मेजर एंजाइम्स लगेंगे। इस एंजाइम्स को भी मैंने सीक्वेंस में क्या किया, सेट किया हुआ है। इस एंजाइम्स को भी क्या किया, सीक्वेंस में सेट किया हुआ है कि पहले कौन सा एंजाइम आएगा, फिर उसके बाद कौन सा एंजाइम आएगा, ठीक है। तो चलिए सीक्वेंस में बात करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर जो सबसे फर्स्ट एंजाइम आएगा वो एंजाइम होता है हेलिकेज, वो एंजाइम होता है हेलिकेज एंजाइम, ठीक है। अब हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, उसका फंक्शन भी मैं आपको बताते चलता हूँ कि हेलिकेज जो होता है, ठीक है, उसका इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है कि जो डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं, जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में जुड़े होते हैं, उस दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड को चेन को जोड़ने के लिए उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना होता है, पर ऐसा नहीं होता है कि वो जो हेलिकेज है वो कहीं भी डीएनए को तोड़ सकता है,
वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ही तोड़ सकता है, उस स्पेसिफिक पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिसाइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, क्या बोलते हैं हम उसको, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। तो वो उस ओरी साइट पे ही क्या कर सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है। क्यों ब्रेक डाउन कर सकता है, क्योंकि उस ओरी साइट का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, लोअर हो जाता है। ड्यू टू क्यों लोअर होगा, चलिए हम बात करते हैं। तो कई बार लोगों को ये नहीं पता है कि ओरी साइट होता क्या है, ठीक है। तो ओरी साइट उस डीएनए पे वो सेगमेंट है, वो पार्ट है जहाँ पे क्या है, एटी यानी एडेनिन थाइमिन रिच रीजन है, मतलब एडेनिन थाइमिन की क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है। जैसे आपको पता होगा कि ए और टी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड करते हैं, जी सी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड करते हैं, तो दोनों को तोड़ने में इजी किसको होगा, ए टी वाले को, ना कि जी सी वाले को। तो अगर जहाँ पे ए टी रिच रीजन है उसको तोड़ना क्या होगा, आसान होगा कंपेरेटिवली जी सी रिच रीजन या मिक्सड जी टी जी सी रिच रीजन, ठीक है। तो हेलिकेज वही पॉइंट को ढूंढता है, वही एरिया को ढूंढता है जहाँ पे एटी रिच रीजन होता है, और उस एटी रिच रीजन को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन ओरी साइट या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट या इनिशिएशन पॉइंट के नाम से भी हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं। तो पहला एंजाइम जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करेगा दो न्यूक्लियोटाइड चेन का। वो सबसे पहले क्या करेगा कि स्पेसिफिक पॉइंट को ढूंढेगा, वो पॉइंट कौन सा, इनिशिएशन पॉइंट या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट, कैसे पता लगाएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें क्या होता है, ओनली वन क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन साइट होता है, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है, जो बैक्टीरियल डीएनए होता है, वो क्या होता है, सर्कुलर नेचर का होता है, तो उसमें एक ही रेप्लिकेशन या ओरिजिन साइट होता है। जबकि यूकैरियोट जो कि लीनियर होता है उसमें मोर देन वन और मैनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स होते हैं, ठीक है। अनजिपिंग स्टार्ट एट मैनी पॉइंट्स साइमल्टेनियसली, तो प्रोकैरियोट के अंदर एक पॉइंट, एक बार में एक ही ओरिजिन रेप्लिकेशन था, एक ही जगह से स्टार्ट क्या होगी, ओपनिंग होगी। जबकि लीनियर डीएनए यूकैरियोट के अंदर उसमें क्या हो सकता है, मल्टीपल पॉइंट पे क्या हो सकता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो एंजाइम हेलिकेज या स्वाइवलेज भी बोलते हैं अपन इसको, स्वाइवलेज भी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है जो इसको हेल्प करता है कि इसको हेलिकेज को, ठीक है। वो कौन है, मैग्नीशियम, Mg+2 आयन जो है वो कोफैक्टर के जैसा काम करता है, और उसकी हेल्प से क्या होता है, ये जल्दी से क्या कर सकता है, एक्ट कर सकता है, ठीक है। अनजिपिंग जो होगी या जो ब्रेकनिंग होगी वो अल्कलाइन मीडियम पे होता है, ठीक है, अल्कलाइन मीडियम पे होगा, ठीक। तो ये फर्स्ट एंजाइम लगा आपको हेलिकेज। जो नेक्स्ट एंजाइम लगेगा दैट इज द SSB प्रोटीन्स या सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स, जैसे कि डीएनए की दो प्रॉपर्टी होती है, जैसे पहले की कुछ वीडियोस में मैंने आपको डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। तो डीएनए की दो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। पहला होता है क्या, तो दो प्रॉपर्टी होती है डीएनए की, रीनेचुरेशन एंड डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन तब होता है जब उनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड किसी कारण से ब्रेक हो जाता है, पर जैसे ही नॉर्मल कंडीशन आता है, क्योंकि डीनेचुरेशन सडन चेंजेस की वजह से होता है, हाई पीएच या हाई टेम्परेचर, इसकी वजह से, तो वो टूट जाता है। पर जैसे ही नॉर्मल कंडीशन आता है वो दोनों के बीच से वापस रीनेचुरेशन हो जाता है, मतलब उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड फिर बन जाते हैं और वापस से वो क्या हो जाते हैं, स्टेबलाइज होते हैं। अब आप ये सोचो कि हेलिकेज ने तोड़ दिया और वापस से हेलिकेज वहाँ से हट गया, उसका काम तो ख़त्म हो गया, वो हट गया, वो सेपरेट कर गया, तो वापस से वो रीनेचर हो जाएगा और फिर से बाइंड कर जाएगा, तो फिर से तोड़ना पड़ेगा, तो ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। इस वजह से हम क्या करते हैं कि जैसे ही हेलिकेज ने उनके बीच को क्या कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिया, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, उन दोनों स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करने के लिए, उन दोनों स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करने के लिए उनके आउटर साइड से क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स आके बाइंड कर लेती हैं, ठीक है, और वो उनको प्रिवेंट करती है, क्योंकि वो इसको स्टेबलाइज कर देता है। अब जब वो स्टेबल हो गया तो वापस से वो क्या नहीं करेगा, जुड़ने की कोशिश नहीं करेगा।
तो वो उसको स्टेबलाइज कर देता है और रीफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देता है, रोक देता है। एस एस बी का क्या रोल है कि जो दोनों हेलिकेज ने सेपरेट कर दिया स्ट्रैंड को, उसको क्या कर लेगा, बाइंड करके जोड़ लेगा अपने साथ और वो उसको स्टेबलाइज कर देगा, जिसके वजह से वापस से क्या नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का रीफॉर्मेशन नहीं होगा, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच नहीं होगा। ये दूसरा काम, दूसरा एंजाइम एस एस बी प्रोटीन। तीसरा आता है आपका टोपो आइसोमिरेज। तीसरा क्या आता है आपका, टोपो आइसोमिरेज। इनको प्रोकैरियोट के अंदर हम डीएनए गायरेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि डीएनए कैसा है, हेलिकल नेचर का है, और उस हेलिकल नेचर पे क्या था, एक जगह से आप ओपनिंग कर रहे हो, ठीक है। मान लीजिए आपने क्या किया, एक चोटी बना लिया और उस चोटी को इंटरलिंक्ड कर दिया आपस में, दोनों जो आपके हेयर्स के गुच्छे थे, ठीक है, उनको आपस में आपने बाइंड कर दिया। पर खोलते समय क्या करते हो आप, ऐसे अगर डायरेक्टली बिना एक दूसरे को अनजिप किए हुए खींच के खोलने की कोशिश करोगे तो कुछ टाइम तक तो ओपन हो जाएगा, पर उसके बाद क्या हो जाएगा, और टाइटली क्या हो जाएंगे, वो फंस जाएंगे। नॉर्मली आप देख सकते हो घर पे एक ऐसा थ्रेड ले लो जो क्या है, दो थ्रेड्स आपस में ओवरलैप्ड हैं, उनको खींचो तो आगे की कुछ ओपनिंग तो हो जाएगी, पर आगे चल के वो और क्या हो जाएगा, टाइटली नॉटिंग हो जाएगी उसकी, और ज़्यादा क्या हो जाएगा, वो फंस जाएगा। तो यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो हेलिकल नेचर का है डीएनए, तो उस हेलिकल नेचर की वजह से अगर आपने बीच से ओपनिंग किया तो दोनों टाइप, दोनों साइड क्या हो जाएंगे, टेंशन जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोक क्या हो जाएगा, टेंशन जनरेट हो जाएगा। जैसे सिंपली मैं बोलूँ, लोकल अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए ड्यूप्लेक्स हुज एंड्स आर फिक्स्ड कॉज स्ट्रेस दैट रिवील्ड बाय सुपर कॉइलिंग एंड चेंज इन टोपोलॉजी, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे दोनों तरफ स्ट्रेस पड़ा तो दोनों तरफ क्या हो गए, सुपर कॉइलिंग होगी। सुपर कॉइलिंग होगी तो टोपोलॉजी चेंज होगा और आगे चल के वो फंस जाएंगे, आगे ओपन नहीं होंगे। तो मुझे क्या करना है, उस सुपर टेंशन से, उस सुपर कॉइलिंग से क्या करना है, बचाना है। और वो काम किसका है, टोपो आइसोमेरेज एंजाइम या डीएनए गायरेज एंजाइम का है, कि वो सुपर कॉइलिंग के अंदर जो टेंशन अराइज हुआ है उसको क्या करेगा, कम करेगा, यानी सुपर कॉइलिंग को रिड्यूस करेगा, ठीक है। वो रिड्यूस कैसे करेगा, ठीक है, वो रिड्यूस कैसे करेगा, तो इसमें क्लास ऑफ टोपोआइसोमेरेज होते हैं। क्लास वन टोपोआइसोमेरेज, ठीक है, वो क्या करता है, टाइप वन टोपोआइसोमेरेज, ज़्यादा आपके डिटेल कोर्स में है नहीं, तो वो क्या करता है, एक स्ट्रैंड को क्या करता है, कट लगाता है और दूसरे स्ट्रैंड को उस स्ट्रैंड से बाहर निकालता है, उस कट लगे एरिया से, तो सुपर कॉइलिंग रिड्यूस होती है। दूसरा जो टाइप होता है वो दोनों स्ट्रैंड को कट लगाता है और उसमें से सुपर कॉइलिंग को क्या करता है, रिलीज करता है। तो टाइप वन और टाइप टू के क्या होते हैं, क्या होते हैं आपके, टोपो आइसोमेरेज होते हैं, जिनका काम होता है कि सेपरेशन की वजह से तो दोनों एंड पे सुपर कॉइलिंग हुई है, टेंशन जनरेट हुआ है, उसको रिड्यूस करना और सुपर कॉइलिंग को भी क्या करना, रिड्यूस करना, ठीक है। ये हो गए तीसरा एंजाइम टोपो आइसोमेरेज। नेक्स्ट जो है, डेट इज आरएनए पॉलीमरेज एंड प्राइमेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज जो है उसको हम कंप्लीट नाम से बोलते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और प्राइमेज एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। अब इसका रोल क्या है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज या प्राइमेज जो है वो क्या करता है, एक छोटा सा सेगमेंट बनाता है आरएनए का, ठीक है, जिसको आरएनए प्राइमर के नाम से जानते हैं। अब जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डायरेक्टली क्या नहीं कर सकता, फॉर्मेशन नहीं कर सकता, सिंथेसिस नहीं कर सकता। उस सिंथेसिस को हेल्प करने के लिए, जैसे दर्जी की दुकान पे आपने देखा होगा, तो वो दर्जी डायरेक्टली स्टिच नहीं करता कपड़े को, क्या करता है, पहले एक छोटा कपड़ा लगाता है, उस पर से स्टिच करता हुआ जाता है, फिर मेन क्लोथ को स्टिच करता है। वैसे ही यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज को सपोर्ट करने के लिए क्या लगेगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगेगा या प्राइमेज एंजाइम लगेगा, जो एक स्मॉल सेगमेंट बनाएगा 4 से 12 बेस पेयर का, जिसको हम अपन आरएनए प्राइमर बोलेंगे, जिसकी सिंथेसिस जो होगी वो क्या होगी, 5 to 3 डायरेक्शन में क्या करेगी, होगी, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो सिंथेसाइज करता है किसमें, 5 to 3 डायरेक्शन में, और रीड किस में करेगा, 3 to 5 डायरेक्शन में, रीडिंग 3 to 5 और सिंथेसाइजिंग 5 to 3 डायरेक्शन में करेगा, ठीक। और फिर उसकी हेल्प से नेक्स्ट जो एंजाइम है वो फंक्शन करेगा। तो पहले हो गया क्या,
हेलिकेज, देन एसएसबी, देन टोपोआइसोमेरेज, देन आरएनए पॉलीमरेज या प्राइमेज एंजाइम, एंड द नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। नेक्स्ट क्या है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि हमारा मेन एंजाइम है यहाँ पे, ठीक। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है प्रोकैरियोट में थोड़ा सा डिफरेंट है और यूकैरियोट में डिफरेंट है। आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ प्रोकैरियोट का दिया है तो अपन प्रोकैरियोट में बात करेंगे। प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए पॉलीमरेज तीन तरीके के, डीएनए पॉलीमरेज वन, डीएनए पॉलीमरेज टू एंड डीएनए पॉलीमरेज थ्री, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज वन, डीएनए पॉलीमरेज थ्रू एंड डीएनए पॉलीमरेज थ्री। यूकैरियोट में अलग अलग टाइप के होते हैं। यूकैरियोट्स में सेवन पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, तो उस पर अपन बात नहीं करेंगे, ठीक। डीएनए पॉलीमरेज वन करता क्या है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज वन करता क्या है, तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो कॉर्नबर्ग ने 1957 में डिस्कवर किया था, इसलिए इसको कॉर्नबर्ग एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। इस वजह से इसको कॉर्नबर्ग एंजाइम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंजाइम जो है वो क्या फंक्शन करता है, एंजाइम जो है वो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या करता है, दिखाता है। ये एंजाइम कैसा करता है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या करता है, शो करता है। इट सेपरेट्स आरएनए प्राइमर फ्रॉम डीएनए एंड आल्सो फिल्स द गैप, इट इज आल्सो डीएनए रिपेयर एंजाइम, ठीक है। क्या है इसका काम, क्या है तो इसका काम इतना है कि जब सिंथेसिस होगा, जो आरएनए प्राइमर हमने लगाया है उस आरएनए प्राइमर को निकालना, उसकी जगह वापस से डीएनए को क्या करना, ऐड करना, वो डीएनए पॉलीमरेज वन का एंजाइम का काम है। और इसके साथ साथ वो एक और एक्टिविटी कर सकता है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। तो इसके अंदर एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी पाया जाता है। ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो होता है वो कैसा होता है, थ्री डायरेक्शन टू फाइव डायरेक्शन एंड फाइव डायरेक्शन टू थ्री डायरेक्शन, दोनों तरफ। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होता है, डीएनए को सेपरेट करना, न्यूक्लियोटाइड को सेपरेट करना फ्रॉम द एंड्स। अगर न्यूक्लियोटाइड को सेपरेट कर रहे हो उसके एंड से तो कहलाता है क्या, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज में कैसा है, थ्री टू फाइव और फाइव टू थ्री दोनों। और उसके अंदर जो पॉलीमराइजिंग या सिंथेसाइजिंग एक्टिविटी है वो किस डायरेक्शन में, फाइव टू थ्री पे, ठीक है। पॉलीमराइजिंग फाइव टू थ्री, एक्सोन्यूक्लियस थ्री टू फाइव और फाइव टू थ्री। दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज टू, इट इज लिस्ट रिएक्टिव। ये क्या है, सबसे कम यूज होने वाला है, सबसे आलसी एंजाइम है, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डीएनए रिपेयरिंग इन एब्सेंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज वन एंड डीएनए पॉलीमरेज थ्री, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज वन और अगर डीएनए पॉलीमरेज थ्री काम नहीं करता है तब उस कंडीशन पर डीएनए पॉलीमरेज टू काम कर सकता है, नहीं तो अगर दोनों फंक्शन कर रहे हैं तो ये ऐश करेगा, इसका कोई यहाँ पे काम नहीं रह जाता, ठीक है। इसके अंदर भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता है और इसके अंदर एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी थ्री टू फाइव एंड अगेन सिंथेसाइजिंग एक्टिविटी फाइव टू थ्री। जो लास्ट एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज थ्री, दैट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम, इसलिए इसको रेप्लिकेशन एंजाइम भी बोलते हैं, क्योंकि जो कंप्लीट सिंथेसाइजिंग है प्रॉपर्टी वो किसके हेल्प से होगा, वो इसी पॉलीमरेज एंजाइम के हेल्प से होगा। इस वजह से इट इज़ द मेन एंजाइम इन डीएनए रेप्लिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्कवर्ड बाय डिल्यूसिया एंड कैंस। द लार्ज चेन आर फाउंड बाय दिस एंजाइम, दिस इज आल्सो नोन एज रेप्लिकेज एंजाइम। तो ये रेप्लिकेज एंजाइम है, ठीक है। तो आपके ये तीन एंजाइम, तीनों के फंक्शन आपने देखा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जो हम सीक्वेंस की बात कर रहे थे उस सीक्वेंस में हम पहुंचे थे आरएनए पॉलीमरेज तक, और आरएनए पॉलीमरेज के बाद क्या आएगा, डीएनए पॉलीमरेज थ्री, देन डीएनए पॉलीमरेज टू और वन। तो ये सीक्वेंस था एंजाइम के लगने का, हेलिकेज, देन एसएसबी प्रोटीन, देन टोपोआइसोमरेज, देन आरएनए पॉलीमरेज, देन डीएनए पॉलीमरेज थ्री, देन वन एंड टू। ये सीक्वेंस थे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के। ये पहला रिक्वायरमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स। दूसरे रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें, दूसरा रिक्वायरमेंट वो होता है क्या, आपके डीएनटीपीस या रॉ मटेरियल्स जो होंगे, वो दूसरे एंजाइम्स जो होंगे रॉ मटेरियल के, वो एंजाइम्स होंगे क्या आपके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स।
तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स यहाँ लगेंगे, तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उस न्यूक्लियोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं ऑलरेडी प्रेजेंट्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किस फॉर्म में, ट्राईफॉस्फेटिक फॉर्म के अंदर। न्यूक्लियोटाइड किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ट्राईफॉस्फेटिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं इन फॉर्म ऑफ ट्राईफॉस्फेट लाइक डीएटीपी, ठीक है, डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, डीऑक्सी गोनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसाइन साइटोसिन ट्राईफॉस्फेट और डीऑक्सी थायमिडीन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। तो ये चारों क्या होते हैं अपने इस फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ पे जो ये एंजाइम है, सॉरी एंजाइम बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये डीएनटीपीज जो हैं उनके डुअल बिहेवियर होते हैं। इन डीएनटीपीज के कितने बिहेवियर होते हैं, डुअल, दो तरीके का बिहेवियर होता है। पहला बिहेवियर क्या होता है कि ये सबस्ट्रेट के जैसा भी बिहेव करते हैं, ठीक है, ये कैसा करते हैं, सबस्ट्रेट के जैसा बिहेव करते हैं। जैसे एक मैं रिएक्शन बता देता हूँ आपको जो कि बार बार यहाँ काम आने वाला है, आगे चल के मैं आपको बताऊँगा, नहीं आप समझो कि जो डीएनटीपीज हैं यहाँ पे, वो डीएनटीपीज कोई भी हो, ठीक है, डीडीटीपी भी हो सकता है, सीटीपी भी हो सकता है, तो वो डीएनटीपीज जो है, मान लीजिए हम लेते हैं डीसीटीपी, डीसीटीपी जो होता है उसका पहले क्या होता है, उनसे ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, उनसे क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और ये कन्वर्ट होता है किसमें, डीसीएमपी प्लस पीपीआई, ठीक है। तो डीसीएमपी यहाँ पे जो क्या होगा, पहले ये क्या होंगे, टूटते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, पहले इनका ब्रेक डाउन होता है, इनका ब्रेक डाउन होता है तो ये क्या हो जाते हैं, मोनोफॉस्फेटिक यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि डीएनए के अंदर जो लगने वाला है वो मोनोफॉस्फेटिक फॉर्म ही क्या करने वाला है, यूज होने वाला है, ठीक है। तो इनके अंदर, डीएनए के अंदर क्या होगा, मोनोफॉस्फेटिक फॉर्म में ही क्या होंगे, इस्तेमाल होने वाले। तो पहला काम क्या होता है, इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की वजह से क्या हो जाता है, ये डीसीएमपी और पीपीआई में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और फिर इस पीपीआई के ऊपर क्या होता है, आपके फॉस्फोराइलेज एंजाइम काम करता है जिससे टूट के दो फॉस्फेट सेपरेट हो जाते हैं। तो आपको पता है कि हर फॉस्फेट के टूटते ही क्या होता है, एनर्जी लिबरेट होता है। तो यहाँ पे जो डीएनटीपीज हैं उनके दो रोल, एक तो सब्सट्रेट के रूप में काम आ रहे हैं मोनोफॉस्फेटिक यूनिट में, और जो दो फॉस्फेट टूट के उससे निकल रहे हैं, उन दोनों फॉस्फेट के टूटने से क्या हो रहा है, एनर्जी लिबरेट हो रही है, उस एनर्जी को क्या हो रहा है, एज अ रेप्लिकेशन प्रोसेस में यूज़ करते हैं। जब एनसीईआरटी पे पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है कि जो रेप्लिकेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी पे क्या होता है, डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अगर माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी पे डिपेंडेंट होगा तो बहुत सारी एनर्जी लगेगी और उतना हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए जो रेप्लिकेशन भी होता है वो छोटे छोटे क्या होते हैं, फेसेस में होता है, ब्रेक ब्रेक में होता है, मतलब कंटिन्यूस होता है पर ऐसा नहीं होता का पूरा डीएनए स्ट्रैंड एक साथ ओपन हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा, इस वजह से वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एटीपी पे नहीं डिपेंड हो गया, किस पे डिपेंड हो रहा है, जो न्यूक्लियोटाइड्स आपके न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर है, ठीक है, उनके ड्यूअल बिहेवियर हो रहे हैं। पहला काम हो जाता है उनका क्या करना, सबस्ट्रेट के रूप में काम आना, और दूसरा रोल क्या हो जाता है उनका, दूसरा रोल ये हो जाता है कि वो क्या करते हैं, एनर्जी सप्लीमेंट के रूप में भी काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे दो क्या है, बिहेवियर है, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन, टू फॉस्फेट्स ऑफ ऑल न्यूक्लियोटाइड आर सेपरेटेड, इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज यील्ड व्हिच इज कंज्यूम्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन, सो इट इज क्लियर दैट डीएनए डज नॉट डिपेंड ऑन माइटोकॉन्ड्रिया फॉर इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट सर्व्स ड्यूअल पर्पस इन एडिशन टू एक्टिंग एज अ सब्सट्रेट एंड ऑल्सो दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे इनका दो काम हो जाता है, एक तो एनर्जी भी देना और दूसरा क्या करना आपको, सब्सट्रेट के रूप में काम आना। फिर जो लास्ट चीज़ हमें लगने वाली है वो लाइगेजिंग एंजाइम, लाइगेजिंग एंजाइम क्या करता है, दो डीएनए सेगमेंट को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या लगेंगे, लाइगेसिंग एंजाइम भी लगने वाला है, ठीक है। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, इन सारे रिक्वायरमेंट्स के मैंने आपको फंक्शन भी बता दिए, किसका क्या रोल है, ये सारा चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम देखते हैं
कंप्लीट मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में तीन पार्ट है। फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज अ इनिशिएशन, ठीक है, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन में क्या होने वाला है, सेम चीज, रेप्लिकेशन विच विल ऑलवेज स्टार्ट ओनली एट ए स्पेशल पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनिशिएशन में क्या होगा, सबसे पहले एक स्पेशल पॉइंट को ढूंढा जाएगा, दैट स्पेशल पॉइंट इज वॉट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और मैंने आपको पहले बताया कि प्रोकैरियोट के अंदर क्या होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होने की वजह से एक ओराई साइट है और उसके एंटायर डीएनए एक्ट एज अ सिंगल रेप्लिकेन, ठीक है। इसका पूरा डीएनए क्या होगा, एक सिंगल रेप्लिकॉन के जैसा क्या करेगा, एक्ट करेगा, जैसे डायग्राम आप देख रहे हो। दूसरा है इन यूकैरियोट लीनियर होने की वजह से इसमें मल्टीपल्स क्या होंगे, साइट्स होंगे, ओरिसाइट्स, इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल रेप्लिकॉन बनेंगे, ठीक है। इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट डीएनए इज रेप्लिकेशन इज बाय डायरेक्शनल। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो डायग्राम, ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हो जहाँ से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है उसके दोनों साइड, देखो इस तरफ भी और इस तरफ भी और इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ रेप्लिकेशन हो रहा है, इस वजह से कैसा है ये, बाय डायरेक्शनल है, ठीक है, इस वजह से कैसा है ये, बाय डायरेक्शनल है। सेमी डिसकंटिन्यूस आगे चल के प्रूफ करूंगा, अभी सेमी कंजर्वेटिव प्रूफ कर लिया, बाय डायरेक्शनल प्रूफ कर लिया, अब सेमी डिसकंटिन्यूस भी प्रूफ करेंगे। तो ये पहला था इनिशिएशन, वो पॉइंट को सर्च करना जहाँ से क्या हो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, और वहाँ से अनवाइंडिंग क्या करेंगे अपन, शुरू करेंगे, उसे ओरियाई साइट को ढूंढेंगे। फिर होता है अनवाइंडिंग या अनजिपिंग ऑफ स्ट्रैंड। अनजिपिंग ऑफ स्ट्रैंड मैंने आपको पहले ही बताया कि ओ आर आई क्या करेगा, उस साइट को ढूंढ लिया, ओ आर आई ने ढूंढा, ओ आर आई अब उस पर क्या करेगा, जाके अटैक करेगा, उसकी एटीपी हाइड्रोलाइसिस करेगा, एटीपी हाइड्रोलाइसिस की वजह से दोनों स्ट्रैंड कैसे हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो ये हो गया अनजिपिंग, ठीक है। अब इस अनजिपिंग के बाद कौन आता था, एसएसबी प्रोटीन। तो एसएसबी प्रोटीन क्या आएंगे, आके इस पे अटैच होंगे, इस अटैचमेंट के बाद ये क्या हो जाएंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, वापस से बाइंड नहीं करेंगे, ठीक। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे, देखो आप डायग्राम आप देख ही रहे हो, टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज या डीएनए गायरेज क्या कर रहा है, जो टेंशन जनरेट हुए थे दोनों एंड पे उसको करने का, सेपरेट करने का काम किसका, आपके टोपोआइसोमेरेज का, जैसे मैंने सारा काम बता ही रखा था। अब इसकी वजह से देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक फॉर्क बन रहा है, ड्यू टू अनवाइंडिंग अ वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्म्स एट ओ आर आई साइट। तो यहाँ पे क्या बन गया, रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया। अब लास्ट स्टेज होता है एलोंगेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड या फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स ड्यू टू डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम, ठीक है। अब डीएनए पॉलीमरेज के बारे में दो चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, मैं बता दूं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जैसे आपने पढ़ लिया था कि सिंथेसाइजिंग एक्टिविटी किधर है, 5-3, और टेम्पलेट रीडिंग किधर है, 3-5 डायरेक्शन। दो दिक्कत इसके साथ है कि इट नेवर स्टार्ट द स्ट्रैंड फॉर्मेशन, ये स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कभी भी स्टार्ट करके नहीं देगा, इस वजह से मैंने आपको बोला था आरएनए पॉलीमरेज आएगा, प्राइमेज एंजाइम आएगा, ठीक है, और वो उसको स्मॉल सेगमेंट बना के देगा। और इसका एक दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, दूसरे डायरेक्शन में ना काम कर नहीं सकता, 5-3 में ही सिंथेसिसिंग करेगा, 3-5 में नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, तो अब ये सब आपको मैंने सब कुछ बता रखा। तो अब डीएनए प्राइमर आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो डीएनए प्राइमर आ रहा है, आरएनए पॉलीमरेज आ रहा है, आरएनए पॉलीमरेज आके क्या लगा रहा है आपको, आरएनए प्राइमर उसने लगा दिया। आरएनए प्राइमर लगने के बाद अब इस पे कौन आ रहा है, डीएनए पॉलीमरेज आ रहा है 3। डीएनए पॉलीमरेज अकॉर्डिंग टू द बेस पेयरिंग रूल, ठीक है, बेस पेयरिंग रूल मतलब कि ए हमेशा टी के साइड बाइंड करेगा और सी हमेशा जी के साइड साथ बाइंड करेगा, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री रूल। तो यहाँ पे उसी कॉम्प्लीमेंट्री रूल को फॉलो करते हुए डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, अपने अपोजिट बेस पेयर लगाएगा। जैसे यहाँ सीक्वेंस आप देख रहे हो, मान लीजिए यहाँ पे ए है, तो ए की कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है, टी, तो यहाँ टी आएगा। और जिस तरीके से मैंने आपको मैकेनिज्म बताया था, टी किस फॉर्म में आएगा, टीटीपी के फॉर्म में, उसका ब्रेकडाउन होगा, टीएमपी बनेगा,
टीएमपी और पायरोफॉस्फेट निकल जाएगा, पायरोफॉस्फोरेज फॉस्फोराइलेज के एंजाइम प्रेजेंस में टूट जाएगा और एनर्जी लिबरेट करेगा और बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। जो मोनोफॉस्फेटिक यूनिट बचा वो एन मोनोफॉस्फेटिक यूनिट क्या हो जाएगा, लग जाएगा, ऐसी दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, एंड सो ऑन प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे जैसे डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा वो हर बेस को रिकॉग्नाइज करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग लगाते हुए उसकी सिंथेसिस करते हुए आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर रेप्लिकेशन फॉर्क बना था तो यहाँ दो चीज़ें बनी थी, एक तो 3-5 डायरेक्शन वाला और एक बना आपका 5-3 डायरेक्शन वाला। दोनों पे सिंथेसाइजिंग पैटर्न में थोड़ा सा क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। दोनों के सिंथेसाइजिंग पैटर्न में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। एक स्ट्रैंड को हम लीडिंग और एक को लैगिंग बोलते हैं, तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको पता है कि पॉलीमरेज हमेशा, चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए हो, वो हमेशा रीड करता है किसको, 3-5 को, और सिंथेसाइज करता है 5-3 को। तो आपको हमेशा न्यू सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड को देख के आपको क्या करना है, बताना है कि वो लीडिंग है कि लैगिंग है। किसको देखना है, न्यू सिंथेसाइजिंग को देखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3-5 लिखा है तो उसका डायरेक्शन क्या मिल रहा है, 5-3। जो न्यू सिंथेसाइज होगा वो क्या होगा, 5-3। तो ये बनेगा कैसा, लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और दूसरा अगर ये कैसा है, 5-3 लिखा है और इसके अपोजिट क्या बनेगा, 3-5, तो क्या होगा, इस केस में आपको इनसाइड से आउटसाइड काम करना पड़ेगा क्योंकि 5-3 डायरेक्शन इधर से इधर मिल रहा है, ठीक है। तो एक ऐसा होगा जिसमें इनवर्ड से आउटवर्ड सिंथेसिस होगा और दूसरा स्ट्रैंड होगा जिसमें आउटवर्ड से इनवर्ड सिंथेसिस होगा। तो कौन कौन सा है देखते हैं। ऑन 3-5 स्ट्रैंड अगर देखें तो सिंथेसिस अकर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। सो हियर सिंथेसिस अकर कंटिन्यूसली और इस स्ट्रैंड को बोलेंगे कि हम लीडिंग स्ट्रैंड। इस स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे, हम लीडिंग स्ट्रैंड। जबकि 5-3 डायरेक्शन वाले टेम्पलेट को देखोगे तो उसमें सिंथेसिस अकर होगा फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। सो हियर सिंथेसिस अकर इन सेगमेंट्स, जिस सेगमेंट्स को बोलेंगे हम ओकाजाकी सेगमेंट्स, और दिस स्ट्रैंड कॉल लैगिंग स्ट्रैंड। और ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो होते हैं या ओकाजाकी सेगमेंट्स जो होते हैं वो डीएनए प्लस आरएनए का क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्वेश्चन पूछा गया एक बार नीट में, तो ये भी आपको मैं क्लियर कर दूं कि वो डीएनए और आरएनए दोनों का क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। तो रेप्लिकेशन फॉर्क में एक स्ट्रैंड क्या होगा, लीडिंग स्ट्रैंड होगा, और एक क्या होगा, लैगिंग स्ट्रैंड होगा। डिपेंड करेगा किस पे कौन सा सिंथेसिस डायरेक्शन आ रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से क्या होंगे होंगे। अब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज एज फास्टेस्ट, इतना तेज होता है कि वो 2000 बेस पेयर पर सेकंड के हिसाब से क्या करता है, पेयरिंग करता हुआ जाता है, इतना फास्ट है वो, ठीक है। और फटाफट सिंथेसिस करता जाता है, आगे ओपनिंग होती जाएगी, सिंथेसिस होती जाएगी, ओपनिंग होती जाएगी, सिंथेसिस होती जाएगी, और इस तरीके से क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगा, कंप्लीट होगा। इसी दौरान क्या होगा, आपका डीएनए पॉलीमरेज वन का जो आपने फंक्शन पढ़ा था, लेटर ऑन ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर जॉइंड बाय डीएनए लाइगेस, ठीक है। उसी दौरान क्या होगा, आपके डीएनए पॉलीमरेज वन और डीएनए पॉलीमरेज टू मूव्स ऑन द एंटायर लेंथ ऑफ न्यूली सिंथेसाइज डीएनए स्ट्रैंड एंड चेक द बेस पेयरिंग आइदर प्रूफ रीडिंग अकर्स, ठीक है। तो प्रूफ रीडिंग की हम बात करते हैं, प्रूफ रीडिंग होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, ठीक। तो पहले तो फिर क्या करेंगे, आपके जो भी आरएनए प्राइमर थे उनको निकालेंगे, उसके जगह डीएनए सेगमेंट लगाएंगे, फिर पूरे सेगमेंट को चेक करेंगे क्योंकि हम, ठीक है, जैसे सिंपली एक एग्जांपल दूं, जब भी आप घर से बाहर निकलते हो तो ताला लगाते हो, लॉक लगाते हो, लॉक लगाने के बाद पहला काम ये करते हो कि आप उस लॉक को 2-3 बार खींच के देखते हो कि लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है। सब करते हैं ऐसा, झूठ मत बोलना, ठीक। वैसे ही क्योंकि आप जल्दी में रहते हो तो ये करते हो, यहाँ तो बहुत फास्टर रेट से वर्क हो रहा है तो मिस्टेक के चांसेस क्या है, ज़्यादा है। हालांकि होता नहीं है पर हमारा काम है कि हम देखें। तो डीएनए पॉलीमरेज वन और टू क्या करते हैं, एंटायर को क्या करते हैं, रीड करते हैं कि कहीं बाय मिस्टेक की हमने गलत बेस पेयर तो पेयरिंग तो नहीं कर दी, चेक करते हैं, अगर गलती है तो सुधार देंगे और नहीं तो वापस से क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। उसके बाद हर जो का ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को डीएनए लाइगेस क्या कर देता है, जोड़ देता है, और फिर एंटायर डीएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाता है जिसमें एक पेरेंटल डीएनए होता है और एक क्या होता है आपका,
न्यू डीएनए जो फॉर्म हुआ है वो होता है, ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो इन सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन इच डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल रिसीव वन चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फ्रॉम मदर डीएनए एंड मॉलिक्यूल द सेकेंड चेन इज सिंथेसाइज्ड। ठीक है, अब डिसकंटिन्यूस किया क्यों बोला सेमी डिसकंटिन्यूस, क्योंकि एक स्ट्रैंड में तो कंटिन्यूस हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है डिसकंटिन्यूस हो रहा है, इस वजह से दोनों को मिला के मैंने एक साथ क्या बोल दिया सेमी डिसकंटिन्यूस। कोई दिक्कत नहीं है, तो तीनों टर्म हो गए सेमी, क्या होता है सेमी कंजर्वेटिव बाय डायरेक्शनल सेमी डिसकंटिन्यूस मेथड का होता है डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, अब एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको भूलना नहीं चाहिए कि डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 सबका पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी 3 to 5 और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 3 to 5। अगर आपका फेलियर होता है सेल डिवीजन के अंदर तो क्या हो जाता है पॉलीप्लॉइडी होता है, और डीएनएएस और डीएनएज में डिफरेंस है, डीएनएज इज एंजाइम और डीएनएएस जो है क्या वो लॉट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल को हम एक साथ डीएनएएस बोलते हैं। ये था आपका डीएनए रेप्लिकेशन तीन स्टेप्स में, अनजिपिंग अनवाइंडिंग फॉर्मेशन ऑफ चेन, फर्स्ट मतलब इनिशिएशन देन अनवाइंडिंग अनजिपिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। ठीक है, सारा कुछ मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया, होप आपको ये सारा चीज क्लियरली समझ आया होगा। इफ यू लाइक देन शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, अगर नहीं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।